हेलो स्टूडेंट्स इस सेशन में वील बी डूइंग लॉगरिदम के क्वेश्चंस विच हैव अपेयर्ड इन स्नैप प्रीवियस ईयर्स चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं आज का सो द क्वेश्चन इज सेइंग इफ लॉग ऑफ पी ऑन द बेस क्यू इज इक्वल टू एट एंड लॉग ऑफ वन ट्वेंटी एट पी ऑन द बेस टू क्यू इज इक्वल टू नाइन देन हाउ मे नंबर ऑफ वैल्यूज पी कैन टेक सो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन देखो वेन वी नो दैट लॉग ऑफ

कि सीधे क्यू की पावर एट को दोनों साइड में कैंसिल आउट कर दोगे पर उसमें प्रॉब्लम ये होता है कि अगर आप ऐसा कर रहे हो तो क्यू इज़ इक्ल टू जीरो वाला सोल्यूशन आपका मिस हो रहा है यह मिस हो रहा है तो हमेशा क्या करना है अब इसको लेफ्ट साइड में लेके जाएंगे सो दिस विल बिकम टू की पावर नाइन क्यू की पावर नाइन माइनस वन ट्वेंटी एट कितना है टू की पावर फाइव सिक्स सेवन टू की पावर सेवन क्यू टू द पावर एट एंड दैट इज इक्वल टू जीरो तो यहां से टू की पावर सेवन क्यू की पावर एट कॉमन आ जाएगा और अंदर बच जाएगा 2 का स्क्वायर विच इज 4q क्यू माइनस वन एंड दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू 0. तो या तो हमारा q की पावर 8 0 होगा और या फिर 4q क्यू माइनस वन होगा अब q की पावर 8 0 होने से हमें मिलेगा q इज इक्वल टू 0. और 4q क्यू माइनस वन होने से मिलेगा हमको q इज इक्वल वन बाई फोर यानी कि q के लिए हमें दो वैल्यूज मिलेंगी बट प्रॉब्लम यह है कि क्योंकि q हमारा बेस है बेस है लॉक का और लॉक का बेस 0 नहीं हो सकता डेफिनेटली क्यूजिकल जीरो हमारा सोल्यूशन नहीं हो सकता है क्यूजिकल वन बाई फोर इज पॉसिबल और क्यूजिकल वन बाई फोर के लिए हमें पी की वैल्यू भी मिल जाएगी पी विल भी नथिंग बट वन बाई फोर टू द होल पावर एट ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा कि हमें एक वैल्यू मिल रही है हालांकि ये भी देखना है वन बाई फोर के लिए भी कि कहीं डोमेन में इशू तो नहीं आ रहा है पर नहीं आ रहा है ठीक है कोई दिक्कत नहीं है तो डेफिनेटली हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए बिकॉज क्वेश्चन पूछा नंबर ऑफ वैल्यूज पी कैन टेक ओके नेक्स्ट क्वेश्चन ट इज द वैल्यू ऑफ लॉग ऑफ पॉइंट एट सेवन थ्री प्लस टेन स्वयर टिलीवल टू लॉग ऑफ एट सेवेंटी थ्री डिवाइडेड बाई वन थाउजेंड यानी कि दिस विल बी लॉग ऑफ एट सेवेंटी थ्री माइनस लॉग ऑफ वन थाउजेंड

सेवन इंटू एट बाई टू ट्वेंटी एट यानी कि टोटल हमारा आंसर आ जाएगा लॉग ऑफ एट सेवेंटी थ्री माइनस थ्री प्लस ट्वेंटी एट सो लॉग ऑफ एट सेवेंटी थ्री प्लस ट्वेंटी फाइव विल बी अवर आंसर ऑप्शन सी ठीक है लॉग ऑफ एट सेवेंटी थ्री अलग है और ट्वेंटी फाइव अलग है बिकॉज ऑप्शन ऐसा भी हो सकता था एट सेवेंटी थ्री में ट्वेंटी फाइव ऐड कर देता ओके okay. और ये वाला ऑप्शन नहीं देता तो ये क्लियर है दोनों डिफरेंट है ऐसा नहीं कर देना दिस इज नॉट इक्वल टू लॉग ऑफ एट नाइन्टी एट वैसे करोगे नहीं आप लोग बट स्टिल ये है कि कभी कभी ऐसी भूल चूक हो जाती है कि अगर कोई ऑप्शन ये दिया ही नहीं होता ये वाला हमारा एट सेवेंटी थ्री प्लस ट्वेंटी फाइव और ये वाला दे दिया होता तो शायद कभी कन्फ्यूज हो जाते नेक्स्ट क्वेश्चन फाइंड द वैल्यू ऑफ लॉग ऑफ टू देन ब्रैकेट के अंदर अगेन लॉग ऑफ टू देन ब्रैकेट देन लॉग ऑफ टू अगेन ब्रैकेट एंड देन सबसे पहले ऐसे किसी क्वेश्चन में हमें अंदर से सॉल्व करना है तो लॉग ऑफ वन फोर सिक्स फोर वन टू द होल पावर फोर ऑन द बेस इलेवन वन फोर सिक्स फोर वन क्या होता है दैट इज इलेवन टू द दावर फोर उसका भी पावर हम फोर कर रहे हैं तो इनर मोस्ट एक्सप्रेशन का वैल्यू क्या आ जाएगा दिस इज इलेवन टू द पावर फोर टू द होल दावर फोर सिक्सटीन है ठीक है इलेवन टू द पावर सिक्सटीन है सो लॉग ऑफ इलेवन टू द पावर सिक्सटीन ऑन द बेस इलेवन सो दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू सिक्सटीन सिक्सटीन आ जाएगा अब इसके बाद में इससे बाहर वाले ब्रैकेट पे आएंगे तो यहां पे बेस टू और वैल्यू आई है सिक्सटीन सो लॉग ऑफ सिक्स टू टू अब लास्ट एक्सप्रेशन बच गया हमारा लॉग ऑफ टू ऑन द बेस टू एंड दैट विलवल टू वन सो सोल्यूशन एक और ब्रैकेट होता है तो आंसर जीरो हो जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन इफ लॉग ऑफ थ्री ऑन द बेस्ट टेन प्लस लॉग ऑफ फोर एक्स प्लस ऑन द बेस्ट टेन इज गड लॉग ऑफ एक्स प्लस वन ऑन द बेस्ट टेन प्लस वन हमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो जो वन है इसको भी हम लिख सकते हैं लॉग ऑफ टेन ऑन द बेस्ट टेन ताकि सारी वैल्यूज लॉग ऑफ टेन में आ जाए आप इसके बाद में इन दोनों वैल्यूज के लिए सिंस दोनों में लॉग ऑफ ऑन द बेस्ट टेन है थ्री इंटू फोर एक्स प्लस वन लिख सकते हैं तो दिस विल बी लॉग ऑफ थ्री इंटू फोर एक्स प्लस वन ऑन द बेस्ट टेन इन सारे क्वेश्चन से एक तरह से आपकी सारी प्रॉपर्टीज भी रिवाइज हो रही हैं कि अगर हमें लॉग ऑफ ऑन द बेस पी दिया है और लॉग ऑफ बी ऑन द बेस पी दिया है तो वी कैन राइट दिस लॉग ऑफ ए इंटू बी ऑन बेस पी क्लियर है इसको टेन लिख दिया है तो टेन इंटू एक्स प्लस समझाने के लिए इतने स्टेप लिख रहे हैं अदरवाइज स्ट्रेट ऑफ एग्जाम में आप लिखोगे थ्री इंटू फोर एक्स प्लस वन Is equal to 10 into x plus 1, और कुछ भी नहीं लिखोगे दिस इज ट्वेल्व एक्स प्लस थ्री एंड इज गो ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अगला सवाल कर रहे हैं लॉग ऑफ ए प्लस लॉग ऑफ ए स्क्वायर अपॉन बी प्लस लॉग ऑफ ए क्यूब अपॉन बी स्क्र टिल एंड टर्म्स पहला तो एक्सप्रेशन हमारा आ गया लॉग ऑफ ए नेक्स्ट है लॉग ऑफ ए स्क्वायर अपॉन बी यानी कि दिस विल बी लॉग ऑफ ए स्क्वायर माइनस लॉग ऑफ बी उसका अगला एक्सप्रेशन आएगा लॉग ऑफ ए क्यूब माइनस लॉग ऑफ बी स्क्वायर एंड सो ऑन, ठीक है लॉग ऑफ ए ए स्क्वायर ए क्यूब इन सबको एक तरफ लेके आ जाते हैं तो दिस विल बिकम लॉग ऑफ ए लॉग ऑफ ए स्क्वायर हो जाएगा टू टाइम्स लॉग ऑफ ए ए क्यूब हो जाएगा थ्री टाइम्स लॉग ऑफ ए एंड सो ऑन एंड टर्म्स होंगे और माइनस में हमारा आ रहा है लॉग ऑफ बी और क्योंकि ब्रैकेट हमने कर लिया तो अंदर आएगा टू टाइम्स लॉग ऑफ बी लॉग ऑफ बी स्क्वायर के लिए फिर अगला आता लॉग ऑफ बी क्यूब यानी कि टू टाइम्स लॉग ऑफ बी स्क्वायर टू टाइम्स लॉग ऑफ बी सो नेक्स्ट आएगा थ्री टाइम्स लॉग ऑफ बी एंड सो ऑन पे ध्यान क्या देना है कि यहां कितने टर्म्स होंगे पहले वाले में तो टर्म्स है। क्योंकि ए, पहले टर्म्स है ही स्टार्ट हो गया। वाले ब्रैकेट में लॉग ऑफ ए जैसे ही हमने बाहर कॉमन ले लिया तो अंदर आ गया हमारा वन प्लस टू प्लस थ्री टिल क्योंकि एन टर्म्स है तो एन आएगा लास्ट में और सिमिलरली लेके तो प्लस प्लस एन तक का तो समय तो बाई लॉग अगर राइट हैंड साइड में भी लिख रहा है तो ये ध्यान देना लॉग ए पे मल्टीप्लाई हो रहा है लॉग ऑफ ए इंटू एन इंट वन बाई टू नहीं है ठीक है सिमिलरली यहां पे हो जाएगा क्योंकि एन माइनस वन टर्म्स है तो ये क्या होगा एन इंट एन प्लस अप्लाई करोगे एन की जगह पड़ेगा दिस विल एन माइनस वन इन टू एन बाई टू लॉग ऑफ बी क्लियर है ओके सो एन बाई टू तो यहां से कॉमन आ जा रहा है अंदर बच रहा है हमारा एन प्लस वन इं लॉग ऑफ ए माइनस एन माइनस वन इं लॉग ऑफ बी विच विल बिकम ये हमारा हो जाएगा एन बाई टू तो बाहर ही रहेगा अंदर आ जाएगा लॉग ऑफ ए टू पावर एन प्लस वन माइनस लॉग ऑफ बी टू पावर एन माइनस वन अगेन इसको लिख सकते हैं लॉग ऑफ ए टू पावर एन प्लस वन अपॉन बी टू पावर एन माइनस वन और फाइनली दिस विल बी इक्वल टू लॉग ऑफ ये पूरा एन बाई टू अंदर आ जाएगा यानी कि ए टू दावर एन प्लस वन अपॉन बी टू दावर एन माइनस वन टू द होल पावर एन बाई टू सो दिस विल बी अवर आंसर क्या बात क्लियर होती है ठीक है इतना प्रोसेस समझाने का था बाकी एग्जाम में हमें क्या इतना करने की जरूरत है बिल्कुल भी जरूरत नहीं है क्योंकि हमें पता है कि पहले वाले टर्म में की पावर वन आ रही है दूसरे में टू आ रही है फिर थ्री आ रही है तो अल्टीमेटली सारी की सारी पावर क्या होगा लॉग ए प्लस लॉग बी क्या होता है

पूरा ये कहानी लिखने की जरूरत नहीं है सो so? ये कहानी तो समझने के लिए लिखी है बट एग्जाम में इतना लिखने की जरूरत नहीं है एग्जाम में सीधे आप पहले ही स्टेप पे ये बात लिख दोगे और उसके बाद में एन बाई टू को कॉमन ले लोगे ऊपर यानी कि एन बाई टू पावर ऊपर आ जाएगा आपका ब्रैकेट के और सीधे आंसर मैच हो जाएगा आपका इट विल टेक हार्डली थर्टी फोर्टी सेकेंड्स क्लियर है बिकॉज एग्जाम में टाइम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इतना पूरी कहानी क्यों लिखनी है समझाना थोड़ी है अगला क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा फाइंड द वैल्यू ऑफ लॉग ऑफ टेन वन डिग्री प्लस लॉग ऑफ टेन टू डिग्री टिल लॉग ऑफ टेन एटी नाइन डिग्री अब यहां पे टेन नाइनटी नहीं लिखा बिकॉज टेन अनडिफाइंड हो जाता है ठीक है तो अब इसको कैसे सॉल्व करें बेसिकली क्या है सारी वैल्यूज जो टेन की वैल्यूज हैं सब मल्टीप्लाई हो जाएंगे आपस में अल्टीमेटली ये क्या बन जाएगा हमारा दिस विल बी इक्वल टू लॉग ऑफ टेन ऑफ वन डिग्री इन टू टेन ऑफ टू डिग्री इंटू टेन ऑफ थ्री डिग्री टिल टेन ऑफ एटी नाइन डिग्री ओके टेन ऑफ एटी नाइन क्या होता है टेन ऑफ एटी नाइन डिग्रीज टेन ऑफ नाइन्टी माइनस वन नाइन्टी माइनस वन और टेन नाइन्टी माइनस वन क्या होता है कॉट होता है दिस विल बी कॉट ऑफ वन डिग्री और कॉट क्या है हमारा वन अपॉन टेन ऑफ वन डिग्री वन अपॉन टेन ऑफ वन डिग्री तो टेन वन डिग्री इन टू टेन ऑफ एटी नाइन डिग्री क्या हो जाएगा अल्टीमेटली दिस विल बी नथिंग बट इक्वल टू वन बाई द सेम लॉजिक टेन ऑफ टू डिग्री और टेन ऑफ एटी एट डिग्री क्या हो जाएगा दैट विल ऑल्सो भी इक्वल टू वन सारी वैल्यूज हमारी वन हो जाएंगे बीच में क्या बचेगा टोटल एटी नाइन टर्म्स है दो दो के पेयर बन जाएंगे एक वैल्यू सिर्फ बच जाएगी हमारी टेन ऑफ फोर्टी फाइव डिग्री बाकी सब कुछ वन आ रहा है और टेन ऑफ फोर्टी फाइव डिग्री भी तो वन ही होता है दैट इज ऑल्सो इक्वल टू वन सो अल्टीमेटली दिस विल बिकम लॉग ऑफ वन टू दावर फोर्टी फाइव विच इज नॉग ऑफ वन ओनली क्योंकि वन की पावर फोर्टी फाइव भी वन है और वन का लॉग होता है इक्वल टू जीरो सो ऑप्शन ए विल बी देंसर क्लियर है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इफ लॉग ऑफ इलेवन ऑन द बेस इज इक्वल टू ए देन लॉग ऑफ वन अपॉन हंड्रेड एंड टेन ऑन द बेस एन इज वॉट सो ये वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी दिस विल बिकम लॉग ऑफ वन ऑन द बेस एन माइनस लॉग ऑफ हंड्रेड एंड टेन ऑन द बेस टेन अब ये तो जीरो आ जाएगा स्ट्रेट अवे और ये वैल्यू हमारी आ जाएगी माइनस के अंदर ब्रैकेट में वन एंड टेन इज टेन इन इलेवन सो लॉग ऑफ टेन ऑन द बेस टेन प्लस लॉग ऑफ 11 ऑन द बेस 10 लॉग ऑफ 10 ऑन द बेस 10 तो 1 हो जाएगा और लॉग ऑफ 11 ऑन द बेस 10 गिवन है 1 कि a के बराबर है दिस विल बी आवर आंसर माइनस ऑफ 1 a ओके यानी माइनस -1 minus a ऑप्शन डी विल बी द आंसर क्लियर है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन इफ लॉग ऑफ y ऑन द बेस x 100 एंड लॉग ऑफ एक्स ऑन द बेस थ्री इज इक्वल टू हंड्रेड देन हमें वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है लॉग ऑफ वाई ऑन द बेस एक्स इज हंड्रेड यानी कि एक्स टू दावर हंड्रेड इज इक्वल और लॉग ऑफ एक्स ऑन द बेस थ्री इज हंड्रेड या थ्री की पावर हंड्रेड इज इक्वल टू एक्स बेसिकली आप देख रहे हो लॉक के जितने भी क्वेश्चन आए बहुत ही सिंपल और स्ट्रेट फॉर्वर्ड है बस लॉक की दो चार प्रॉपर्टीज हैं जिनको आपको बार बार यूज करना है बहुत ज्यादा ट्रिकी क्वेश्चन नहीं आए हैं जनरल ठीक है एक्स इज थ्री टू पावर हंड्रेड बस रिप्लेस कर देना है पहली वाली इक्वेशन में और ये हमारी बन जाएगी थ्री टू द पावर दंड्रेड टू द दावर हंड्रेड टू वाई और हंड्रेड हंड्रेड टाइम्स ये कितना हो जाएगा हंड्रेड टू हंड्रेड टेन थाउजेंड या थ्री द पावर टेन थाउजेंड ऑप्शन सो क्लियर है ओके इजी क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर ऑन द बेस टेन

एक्स स्क्वायर विल बी फोर तो रूट वाई हो जाएगा फोर बाई टेन विच इज नथिंग बट टू बाई फाइव स्क्वायर कर देंगे तो वाई विल बीवल टू टू बाई फाइव का होल स्क्वायर फोर बाई ट्वेंटी फाइव ऑप्शन सी ऑप्शन सी सो इन जनरल दिस इज अक वॉक क्वेश्चन इन एवरी स्नैप एग्जाम कि लॉग वाला क्वेश्चन हमेशा अटेम्प्ट करना है एज लॉन्ग एज डिपेंड करता है हो सकता है अगली बार डिफिकल्ट आ जाए बट इन जनरल इट इज नॉट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, है, का सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर की कहानी क्या है एटी वन है थ्री की पावर फोर सो इक्वल टू फोर लॉग ऑफ फोर ऑन द बेस टू दैट विल ऑल्सो बी इक्वल टू 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 प्लस टू नथिंग बट फोर ओके नेक्स्ट वन इफ वन अपॉन टू लॉग ऑफ एक्स प्लस वन अपॉन टू लॉग ऑफ वाई प्लस लॉग ऑफ टू इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स प्लस वाई वन अपॉन टू लॉग ऑफ एक्स क्या हो जाएगा लॉग ऑफ रूट एक्स प्लस वन अपॉन टू लॉग वाई लॉग ऑफ रूट वाई प्लस लॉग ऑफ टू एंड दैट इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स प्लस सो so, ये रूट एक्स रूट वाई और टू मल्टीप्लाई हो जाएगा यानी कि दिस विल बिकम लॉग ऑफ टू रूट एक्स वाई इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स प्लस वाई विच इम्प्लाइज दैट टू टाइम्स रूट ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इफ दैट इज सो दिस विल बिकम एक्स प्लस वाई माइनस टू टाइम्स रूट एक्स वाई क्या आप देख पा रहे हो दिस इज नथिंग बट रूट एक्स का होल स्क्वायर प्लस रूट वाई का होल स्क्वायर है रूट एक्स का होल प्लस रूट वाई का होल स्क्वायर माइनस टू रूट एक्स इंटू रूट वाई इज इक्वल टू जीरो का होल स्क्ट इज इक्वल टू जीरो जीरो होना पड़ेगा करोगे तो यानी कि एक्स इज इक्वल टू वाई मिल जाएगा क्लियर है ऑप्शन ए आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन में एक छोटी सी चीज और याद रखनी बिकॉज ऐसा भी हो सकता था कि एक ऑप्शन गिवन होता ए एंड बी बोथ कि जब भी रूट एक्स इज इक्वल टू रूट वाई है रूट ऑफ समथिंग इज ऑलवेज अ पॉजिटिव वैल्यू ऐसा नहीं है कि रूट एक्स हमारा फॉर एग्जाम्पल अगर हम स्क्वायर रूट ऑफ फोर ले रहे हैं तो दिस विल ऑलवेज बी इक्वल टू प्लस टू दिस विल नॉट बी इक्वल टू माइनस टू तो अंडर रूट के अंदर जब भी हम लेंगे तो ये हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू देगा एक ही वैल्यू देगा दो वैल्यूज ये नहीं देगा सो so ये याद रखना एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू फोर इज डिफरेंट और एक्स इज इक्वल टू स्क्वा फोर यह दोनों बातें अलग हैं पहले वाले के केस में हमें दो सॉल्यूशन मिलेंगे एक्स इक्वल टू एंड एक्स इज इक्वल टू माइनस टू बट सेकेंड वाले के केस में सिर्फ एक सॉल्यूशन मिलेगा दैट इज एक्स इक्वल टू टू ऑल्सो यह भी समझ में आना चाहिए कि पहली वाली हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके दो सॉल्यूशन होंगे और दूसरी वाली एक लीनियर इक्वेशन है तो जब भी रूट फोर हमें गिवन हो या रूट फाइव गिवन हो या कोई किसी भी वैल्यू का रूट गिवन हो दैट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव फॉर रियल नंबर्स क्लियर है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं पहली चीज तो ये नंबर ऑफ डिजिट्स कभी भी अप्रोसीमेटली इक्वल नहीं होगा एक्जैक्टली इक्वल होगा ठीक है ऐसा थोड़ी है कि नंबर ऑफ डिजिट्स फाइव पॉइंट सेवन होगा

तो ऑफ आएगा लॉग ऑफ टू प्लस लॉग ऑफ टेन लॉग ऑफ टेन तो वन हो जाएगा लॉग ऑफ टू होगा पॉइंट थ्री जीरो वन जीरो थ्री तो ग्रेटर देन देन दिस इज ग्रेटर इक्वल टू वन यानी कि टू डिजिट्स आएंगे ओके अगर हम लॉग लें टेन टू द पावर सेवन का तो यहां पे कितना है सेवन आ रहा है वैल्यू तो डेफिनेटली इसमें एट डिजिट्स होंगे तो अगर हमें गिवन है किसी वैल्यू का लॉग अगर इंटीजर में है लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू एन आ रहा है और एन एक इंटीजर है अगर एन एक इंटीजर है तो फिर एन प्लस वन डिजिट होंगी बिकॉज अगर एन इंटीजर है तो एक्स हमारा टेन का मल्टीपल होगा अदरवाइज अगर एन एक फ्रैक्शन है तो उसका हम इंटीग्रल वैल्यू निकालेंगे और उसमें वन ऐड करेंगे उतनी डिजिट्स होंगी कि उससे अगला वाला इंटीजर वो हमारा नंबर ऑफ डिजिट्स होगा क्या ही बात समझ में आती है ठीक है तो इस नॉलेज के साथ में अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं यहां पे हमें गिवन है यानी कि इस वैल्यू का हमें सम्भाव लॉग निकालना पड़ेगा लॉग निकालना पड़ेगा ठीक है तो पहले लॉग निकाल के पूरा सॉल्व करते हैं उसके बाद में देखते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या इतना करने की जरूरत थी या उससे कम में हमारा आंसर हो जाता पहले प्रॉपरली इसको सॉल्व कर लेते हैं सबसे पहले वन इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा उसके बाद में ही तो हम टू और थ्री का यूज़ कर पाएंगे वन जीरो थ्री सिक्स एट हमारा कितने से डिविजिबल है टू से तो ही है ही, फोर से है एट से भी है सिक्सटीन से भी है सो so प्रॉब्ली पहले तो सिक्सटीन से इसको डिवाइड कर लेते हैं तो सिक्सटीन से डिवाइड किया क्या बच गया है इसमें सिक्सटीन सिक्स ज़ा नाइनटी सिक्स सेवेंटी सिक्स बचा सिक्सटीन फोर जिक्सटी फोर यानी सिक्सटी इंटू सिक्स फोर्टी एट अगेन अभी भी ये सिक्सटीन से डिविजिबल है नहीं नहीं अब एट से डिविजिबल है तो दिस विल बी सिक्सटीन इंटू एट इंटू एटी वन यानी कि टू की पावर कितना हो गया फोर प्लस थ्री टू की पावर सेवन हो गया और थ्री की पावर फोर हो गया और फिर हम इसका पावर सिक्स कर रहे हैं अल्टीमेटली सो टेन थ्री सिक्स एट टेन थाउजेंड थ्री हंड्रेड सिक्सटी एट टू सिक्स कितना हो जाएगा टू की पावर सेवन थ्री की पावर फोर टू द होल पावर सिक्स यानी कि टू टू दावर फोर्टी टू थ्री की पावर ट्वेंटी फोर ओके लॉग लेंगे इसका सो लॉग ऑफ वन जीरो थ्री सिक्स एट द होल पॉवर सिक्स विल भी नथिंग बट सिक्स टाइम्स लॉग ऑफ वन जीरो फोर्टी टू टाइम्स लॉग ऑफ टू प्लस ट्वेंटी फोर टाइम्स लॉग ऑफ थ्री क्लियर है अब यहां से भी हमारा सिक्स बाहर आ जाएगा सो थर्टी सिक्स टाइम्स सेवन टाइम्स लॉग ऑफ टू एक सेकेंड कुछ गड़बड़ कर रहे हैं कहीं पे टू टू बहुत सेवन इंटू थ्री टू पार फोर ओके ओके सिक्स जब बाहर ले लिया तो अंदर इतना लिखने की क्या जरूरत थी इसके बाद में ये हमारा अंदर फोर्टी टू नहीं आ रहा था अंदर वैल्यू आ रही है सेवन टाइम्स लॉग ऑफ टू प्लस फोर टाइम्स लॉग ऑफ थ्री तो सेवन इंटू जीरो पॉइंट थ्री जीरो वन जीरो थ्री प्लस फोर इन टू जीरो पॉइंट फोर सेवन सेवन वन तो सिक्स बाहर रहेगा अंदर क्या वैल्यू आ गया सेवन से मुटाई कर रहे हैं सो दिस विल बी टू पॉइंट वन जीरो सेवन टू वन प्लस फोर से मुटलाई कर रहे हैं तो ये वैल्यू क्या आएगा ट्वेंटी एट का ये टू वन पॉइंट नाइन जीरो एट फोर सो सिक्स इंटू फोर पॉइंट ज़ीरो वन देखिए ये फाइव डिजिट में है ये फोर डिजिट में है, तो आगे जीरो ऐड कर देते हैं फाइव सिक्स वन और ये रफली हमारा आ जाएगा ट्वेंटी फोर पॉइंट समथिंग ट्वेंटी फोर पॉइंट समथिंग आएगा यानी कि आंसर हमारा आ जाएगा कितनी डिजिट्स होंगी ट्वेंटी फाइव डिजिट्स होंगी पर इतना ज़्यादा कैलकुलेशन इतना ज़्यादा टाइम इसमें वेस्ट किया हमने क्या वाकई में इतना टाइम वेस्ट करने की जरूरत थी इसमें यह तो हो गया प्रॉपर सॉल्व करने का तरीका बट इतना कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है जिसमें इतना सारा वैल्यूज हमें मल्टीप्लाई करना है कैलकुलेट करना है क्या इतना करने की जरूरत है बिल्कुल भी इस क्वेश्चन में जरूरत नहीं नहीं थी थी और क्यों नहीं थी, ये समझते हैं ठीक है तो हमें गिवन क्या है पॉवर सिक्स टेन थाउजेंड टू द पावर सिक्स भाई टेन थाउजेंडो छोटा नंबर होगा टेन थाउजेंड टू पावर सिक्स की वैल्यू क्या होगी दैट विल बी एंड टेन की पावर फोर टू दी होल पावर सिक्स और टेन की पावर फोर टू द होल पावर सिक्स दैट विल बी इक्वल टू टेन टू द पावर ट्वेंटी फोर दैट equal टू टेन टू द पावर ट्वेंटी फोर यानी कि इसमें ट्वेंटी फाइव डिजिट्स आएंगे तो डेफिनेटली हमारा जो आंसर है उसमें फिफ्टीन डिजिट्स तो नहीं हो सकती हैं, या तो ट्वेंटी फाइव होंगी ट्वेंटी सिक्स होंगी वगैरह वगैरह अब दूसरी वैल्यू लेते हैं लेटेस्ट से हमने वैल्यू लिया ट्वेंटी थाउजेंड टू whole पावर सिक्स

और क्या हम कर सकते थे तो अगर हम इंस्टेंट इलेवन थाउजेंड की पावर सिक्स देखें पावर सिक्स एक्चुअल में बहुत बड़ी हो जाती है ठीक है बट यहां पे यह समझ में आना चाहिए कि अगर हम ट्वेंटी थाउजेंड टू दावर सिक्स देख रहे हैं जहां पे कि इतना बड़ा नंबर बट स्टिल हमारी डिजिट्स सिक्स ही आ रही हैं, और यह टेन थाउजेंड से थोड़ा ही बड़ा है एक्चुअल में यह कितना है वन जीरो थ्री सिक्स एट यानी कि वन पॉइंट जीरो थ्री सिक्स एट इन टू टेन टू दावर फोर होल पावर सिक्स जब हम इसका लॉग लेंगे इस वैल्यू का जब हम लॉग लेंगे तो बेसिकली ये क्या आएगा लॉग जब लेंगे तो लॉग ऑफ टू ट्वेंटी फोर आ जाएगी और लॉग ऑफ वन पॉइंट जीरो के बराबर होगा क्योंकि जब आप लॉग ऑफ टू देख रहे हो लॉग ऑफ टू आ रहा है जीरो पॉइंट थ्री जीरो थ्री लॉग ऑफ रूट टू कितना जस्ट इसका हाफ आएगा यानी जीरो पॉइंट वन फाइव के आसपास आएगा रूट टू होता है हमारा वन पॉइंट फोर वन फोर यह तो वन पॉइंट जीरो थ्री है छोटी वैल्यू आएगी जब हमारा वन पॉइंट फोर वन फोर जीरो पॉइंट वन फाइव आ रहा है और इसको भी सिक्स से मल्टीप्लाई करोगे तब भी ये वन के बराबर नहीं आएगा तो डेफिनेटली ये जो वैल्यू हमारी आने वाली है ये लेस देन वन आने वाली है इनफैक्ट ये वैल्यू ऑलमोस्ट जीरो आएगी जीरो पॉइंट जीरो वन समथिंग ऑलरेडी कैलकुलेशन में भी देख चुके हैं तो डेफिनेटली ये जो हमारा नंबर है लेस देन ट्वेंटी फाइव आएगा और अगर लेस देन ट्वेंटी फाइव आएगा तो नंबर ऑफ डिजिट्स हमेशा ट्वेंटी फाइव ही होंगी तो इस क्वेश्चन में हमें कुछ भी कैलकुलेशन नहीं करना था लॉग ऑफ टू का यूज बस अपने अप्रोक्सिमेशन के लिए करना था दैट इज ऑल इससे ज्यादा कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी और उतना भी करने की जरूरत नहीं क्योंकि जो हमें ऑप्शन दिया 26 तो ऑप्शन में ही नहीं दिया है क्योंकि वर्स्ट पॉसिबल सीन में अगर नंबर थोड़ा और बड़ा होता है ट्वेंटी सिक्स डिजिट होता थर्टी तो कभी भी नहीं हो सकता था क्या ही बात समझ में आती है ठीक है तो डेफिनेटली ऐसे क्वेश्चन में अगर आप फंस जाओगे अननेसेसरी पूरा सॉल्व करने लगोगे कन्वेंशनल तरीके से तो टाइम वेस्ट करोगे जबकि ये क्वेश्चन आपका 40-50 सेकंड हो जाने वाला है अगर आप इसकी अप्रोच को क्लियर हो जाओगे इसलिए ये क्वेश्चन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है आई बिलीव कि ये आपको प्रॉपरली समझ में आ गया होगा अब आप एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन फिर से आता है तो उसको चुटकियों में सॉल्व कर लोगे और बिना उस पर पैनिक किए हुए या उसको स्किप भी नहीं करोगे क्योंकि ऐसे क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है दिस इज नॉट स्किपेबल क्वेश्चन दिस इज डेफिनेटली वेरी डुएबल एंड वेरी इजी क्वेश्चन अगला सवाल ओके दिस इज लास्ट क्वेश्चन ये तो केक वॉक है इसमें तो कुछ भी नहीं करना है बेसिकली क्या स्टेट अवे लॉग ऑफ एम प्लस एन ये सब तो आंसर नहीं होगा ये तो सीधा प्रॉपर्टी ऑप्शन सी विल बी द आंसर एंड डीज आर ऑल द क्वेश्चन ऑफ लॉग जो कि स्नैप में प्रीवियस नाइन टेन ईयर्स में आए हैं एंड आई बिलीव कि आपको क्वेश्चन सारे के सारे समझ में आए होंगे और सोल्यूशंस भी पसंद आए होंगे और पूरी तरह से प्रॉपर्ली समझ में आएंगे एग्जाम में डेफिनेटली आप अगर ये पूरा आपने वीडियो प्रॉपर्ली देखा है समझा है तो आपका लॉग का क्वेश्चन मिस नहीं होगा जरूर से ज़रूर अटैम्प्ट करना है उसको और हंड्रेड परसेंट एक्यूरेसी के साथ में वो सही होगा सेशन पसंद आया तो उसको लाइक जरूर कीजिएगा अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा कोई आपका डाउट हो क्वेरी हो तो आप कमेंट में मैंशन कर सकते हैं और कनेक्ट करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाके यू कैन ज्वाइन और कॉन्टैक्ट मी ठीक है देट इज़ ऑल फॉर द सेशन बाय टेक केयर ख्याल रखिए पढ़ते रहिए फिर मिलते हैं अगले सेशन में